जब हम वोट काउंटिंग के सामने आ गए तो यहाँ हमें अलाउड नहीं किए, कुछ बंदों को अलाउड चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो आज प्रोटेस्ट आपका रहा यहाँ पे, क्या वजूहत है और जिसके नतीजे देखिए जी। सबसे पहली बात यह है कि आज हम यहाँ पे काउंटिंग हॉल के पास आए थे, हमने सोचा था कि हम भी अंदर जाएंगे, हम भी यहाँ पे अपडेट ले लेंगे वोट जो यहाँ पे गिनती हो रही थी, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमें यहाँ पे अलो नहीं किया गया। अलो उनको किया गया है कि जो यहाँ पे इनको अपने अप्रोच वाले हैं, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट जिनको ये मीडिया वाले हैं, उसमें दो चार मीडिया वाले ऐसे भी हैं जो डीसी साहब को क्लोज भी है, उन्होंने उनको अलाउ किया है। और डीसी साहब ने ऐसी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं निकाली है जिससे हमें पता चले कि नहीं हमें परमिशन लेनी थी डीसी साहब से। यहाँ पे बहुत सारा मीडिया आया हुआ है, हमें एक हम जमहूरियत में हमें कहा गया कि आप फोर्थ पिलर है आप जमहूरियत के, कहाँ गया वो आज जमहूरियत, कहाँ गया वो हमारा ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए था। हम भी एक आवाम की बात कर रहे हैं, हमें अपडेट लेना था, लेकिन डीसी साहब ने हमें यहाँ पे अलो नहीं किया, ये बदकिस्मती की बात है। हमें क्यों यहाँ पे आने की इजाज़त दे दी गई, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्या वजह है, इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? ये मुझे लगता है कि ये डीसी साहब खुद इस बात का जवाब दे दे, मुझे लगता है कि डीसी साहब को अपने कुछ यहाँ पे मीडिया वाले हैं, उसने अपने मीडिया वालों को अंदर छोड़ा है, बाकी हमें अंदर नहीं छोड़ा है। क्या वजूहत क्या हो सकती है, क्या आपको लग रहा है कि वजूहत तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, वजूहत तो हो सकती है, तभी तो इन्होंने इसको अंदर छोड़ा है ना, तभी तो यहाँ पे दो चार मीडिया वाले हैं जो उनको अंदर छोड़ा है, हमें रोका गया है, किस बात पे, वजह क्या है? डीसी साहब आके हमें इस बात का जवाब तो दे दे ना, हमें बता दो। जब हमें फोर्थ पिलर कहा गया कि जमहूरियत का, आज ये मुझे लगता है कि मीडिया को अलाउ नहीं कर रहा है, मीडिया को अंदर की इजाजत नहीं है, ये भी एक जमहूरियत का कत्ल है, ठीक है। इस तरह से क्या अपील रहेगी आपको? ये तो चाहिए था डीसी साहब को, ये नोटिफिकेशन निकालनी थी कि हमारे डीसी ऑफिस में आ जाइए, कंसर्न डीसी ऑफिस जाइए या कंसर्न एसडीएम ऑफिस जाइए, जो भी कोई मीडिया पर्सन है उनको चाहिए परमिशन कंसर्न डीसी ऑफिस में, ये तो इनको पहले चाहिए था, पहले इनको नोटिफिकेशन निकालनी थी ताकि हम इनको आज ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर नहीं हो जाए, आज हम ये धरना नहीं देते यहाँ पे। आपको लग रहा है ये दोस्ती है? हाँ ये तो दोस्ती है इनको आपस में, चलो ये मीडिया वालों को आपस में डीसी साहब के साथ कुछ रिलेशन है, दोस्ती है, तभी तो डीसी साहब ने उनको अपने साथ अंदर बिठा के रखा है, चलो ठीक है। और हम भी उनको फोन कर रहे हैं, जो भी अंदर बैठे मीडिया वाले हैं उनके कॉन्टेक्ट हमारे पास है, वो और वो हमारे फोन नहीं उठा रहे, अब उन्होंने स्विच ऑफ करके रखा है, हम कहाँ का अपडेट दे देंगे लोगों को, लोग हमें यहाँ पे तंग करें कि लो जी हमें अपडेट बताओ, कहाँ से अपडेट बता देंगे, कहाँ का अपडेट बता देंगे इनको हम? आप देख लीजिए लोगों को यहाँ पे बैठने की इजाजत है तो हमें यहाँ पे बैठने की इजाजत नहीं है, हमें यहाँ से दूर भगाया जाता है, बताइए हम क्या करेंगे, क्या फायदा है हमारा? डीसी साहब को आप डीसी साहब को इस बात का जरूरी जवाब देना है, क्यों मीडिया को रोका गया, किस बात पे, किस वजह पे, ये सारे वजूहत डीसी साहब को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम प्रेस कॉलोनी से नगर जाएंगे, वहाँ पे भी हम एक धरना देंगे, हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, हम कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी को पूछना चाहते हैं कि प्लीज फिर फॉर डीसी साहब को यहाँ पे जरूर निकाला जाए, हमें तारे गनाई साहब को वापस लिया जाए। जरूर, 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 जरूर।